मेरे प्यारे कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह पाठ 19 सत्कर्तव्य। इससे पहले हम लोगों ने 17वें पाठ अजंता की चित्रकला और फिर 18वां पाठ APJ अब्दुल कलाम पढ़ लिया था। अब हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कविता है राम नरेश त्रिपाठी जी की लिखी है, सत्कर्तव्य। तो आइए हम इस कविता का पहले वाचन करते हैं, पहले इस कविता को हम पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद इसका अर्थ हम बताते हैं। तो क्या कहा कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर या तपसह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा वरसाता, सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल बिलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदर दरे से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्य सुधा समीर समीर पिया है, वह स्नेह की मूर्ति दयामय माता तुल्यमही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम्हें कौन यग जग में तुम सा स्वार्थ विवस है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देख कर होती बुद्धि विकल है। किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँचे अटकल से, हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है सत्कर्तव्य। सत्कर्तव्य का अर्थ होता है
अच्छा सत्या पवित्र कर्तव्य। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। इस संसार में जितने भी सचर माने जो चलने वाले हैं और अचर माने जो अपने स्थान पर स्थिर रहने वाले हैं, जड़ हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधों को हम अचर बोलते हैं, लेकिन सारे कर्म निरत हैं, सभी अपने काम में निरत माने लगे हुए हैं। धुन है एक न एक सभी को, सभी अपने अपने धुन में मस्त हैं, पूरे धुन में पक्के हैं और सबके निश्चित व्रत हैं। कोई न कोई कर्तव्य व्रत का पालन हर कोई कर रहा है, कोई न कोई सिद्धांत, कोई न कोई निष्ठा, कोई न कोई ऐसा कर्म उसके मन में उसने ठान रखा है और उसमें लगा हुआ है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। मैंने पेड़ की बात किया, पेड़ क्या है? अचर है, चल फिर नहीं सकता, जड़ है, लेकिन वह छाया करता है धरती पर और उसकी छाया में बहुत सारे लोग सुख प्राप्त करते हैं। अपने क्या करता है? अपने धूप सहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले में हमको शुद्ध ऑक्सीजन देता है, तो उसका भी कर्म है, उसका भी सत्कर्तव्य है। तुच्छ पत्र के भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है, उसमें लगे हुए जो छोटे छोटे पत्ते हैं वही तो छाया देते हैं, वही तो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वही तो धूप सहते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सूर्य को देखो, सूर्य भी आता है नियत समय पर और पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, इस संसार की सुंदरता को बढ़ा देता है। जरा सोचिए, इस जाड़े के महीने में जब सूरज नहीं निकलता है तो किस तरह से पूरा संसार अंधकारमय हो जाता है। सूर्य के ही न निकलने से अंधेरी घोर भयावह रात में हो जाती है और सूर्य के न निकलने के कारण ही हम लोग ठिठुरते रहते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है लोगों के अंदर ज्ञान आ जाती है, प्राण आ जाता है, पूरा एकदम खुशी का माहौल छा जाता है। सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय, सोम सुधा बरसाता, सोम माने चंद्रमा, अमृतमयी रात, चांदनी रात बनाता है और उस चांदनी को बिखेरता है, अमृत की वर्षा करता है। सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय, दृष्टि नहीं आता। अपने अगल बगल पास पड़ोस सबको देखो, प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अपने अपने कर्म में न लगी हो, कोई भी निष्क्रिय नहीं है। हवा चल रही है, हर एक पेड़ पौधे वनस्पति फल फूल पत्ते दे रहे हैं, सुगंध बिखेर रहे हैं, नदियां बहती जा रही हैं अपने जल से, अमृतमयी जल से खेतों को अन्न उपजा रही हैं, खेतों में अन्न उपजा रही हैं। कोई भी निष्क्रिय नहीं है, सारे के सारे अपने कर्म में लगे हुए है। उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का, तृण माने घास फूस का जीवन भी जो होता है वह भले ही तुच्छ ही होता है, छोटा ही होता है, लेकिन वह भी जब तक होता है अपने कर्म में लगा होता है। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का, वह घास फूस किसी भी जीव जंतु का भोजन बन जाता है और अपने जीवन का अंत करके वह किसी के पेट की भूख को शांत कर देता है, किसी के जीवन को वह प्रदान कर देता है, भले ही अपना अंत कर देता है। तो अभी परोपकार में लगा हुआ है, वह भी परमार्थ में लगा हुआ है। एक घास फूस भी
तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल बेल से जन्म तुम्हारा, तुच्छ कर्म की जब इतनी महानता है तो मनुष्य तो इस दुनिया का सर्वोच्च प्राणी है, अब सबसे अधिक बुद्धिमान है, उसके पास अपरंपार बुद्धि है, उसके पास अपरंपार बल है और उसका जीवन बहुत ही सुंदर है, तो क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा? तो इस प्रकार से सबसे उत्कृष्ट बल बुद्धि और सुंदर जीवन को पा करके क्या मनुष्य का जीवन निरुद्देश्य हो सकता है? क्या उसका जीवन बिना उद्देश्य के हो सकता है? इस पर कभी विचार किया? बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, कभी कहता है मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अपने मन में एक बार जरा सोच करके देखो कि क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने इस जीवन में, क्या तुम्हारा इस जीवन में जो कर्तव्य था वह कर्तव्य पूरा हो गया? और वह कर्तव्य को बताते हुए आगे कहता है कि जिस पर गिरकर उधर दरी से तुमने जन्म लिया है, उधर माने पेट और दरी मतलब पेट से जिस भूमि पर तुम पैदा हुए, माँ के गर्भ के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो धरती पर आता है और वह मातृभूमि होती है, वह धरती जन्मभूमि होती है और जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करीयसे, माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी अधिक महान होती है। तो जिस मातृभूमि पर तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नेर समेर पिया है, जिसका अमृत के समान अन्न को खाया, जिसका अमृत के समान जल को पिया, जिसका अमृत के समान ऑक्सीजन हवा को प्राप्त किया, ग्रहण किया, क्या हम अन्न के बिना जीवित रह सकते हैं? अन्न के बिना दो चार दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना दो चार दिन नहीं जीवित रह सकते हैं, और ऑक्सीजन समीर उसके बगैर तो हम दो चार दस मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन इतनी अत्यंत आवश्यक चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? हमको जन्मभूमि से मिलती हैं। वह स्नेह की मूर्ति सुधा दयामयी माता तुल्यमयी है, ऐसी प्रेम करने वाली दया की मूर्ति, ये जो धरती है, मही माने पृथ्वी है, यह माता के समान है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? क्या उस धरती के, क्या उस मातृभूमि के, क्या उस जन्मभूमि के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य बचा नहीं है? केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, केवल अपने स्वार्थ की बातें सोचते हो, अपने भला के सोचते हो, अपना भला रखते हो और मौज में गीत गाते हो, संगीत सुनते हो, नाचते हो, तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं भोग विलास की तुम जुटाते हो, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, न तो संसार की चिंता है, न तो जन्मभूमि की चिंता है, न समाज के लोगों की चिंता है, न परोपकार की बातें हैं, केवल इस सबसे दूर अपने स्वार्थ को साधते रहना ही तुम्हारा यश है, इसी में तुम्हारी कीर्ति है, क्या इसी से तुम्हारा नाम उज्ज्वल होगा? सोचो तुम्हें कौन आगे जग में तुमसा स्वार्थ विवश है, जरा सोचो कि तुम्हारे समान इस संसार में दूसरा कौन अगमाने अज्ञानी है, स्वार्थ विवश है मतलब स्वार्थ में लोलुप है, इस संसार में उसी का नाम, उसी की यश, उसी की कीर्ति फैली है जिसने परमार्थ किया है, परोपकार किया है, महाराणा प्रताप जैसे लोग जो घास की रोटियां खाए, जमीन पर सोए, भूखे रहे, जंगल के खाक खानी, लेकिन फिर भी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को शहीद कर दिया, उनके पास बहुत सुख सुविधाएं तो नहीं थे, लेकिन आज भी महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं, आज भी उनका नाम हम क्यों लेते हैं, उनके उसी मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण लेते हैं। तो यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, यह संसार मनुष्य के लिए परीक्षा स्थली है, जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ करके परीक्षाएं देते हैं और उसमें प्रश्न पूछा जाता है, कठिन प्रश्न आ जाता है तो बुद्धि चकरा जाती है, उसी तरह से यह संसार भी परीक्षा स्थल है,
और दुख है प्रश्न कठोर, और इस संसार में जो हमें दुख प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, वही हमारे कठोर प्रश्न हैं, कठिन प्रश्न हैं, जिसको देख करके हमारी बुद्धि विकल हो जाती है। किंतु स्वात्मबल विज्ञ, लेकिन जो आत्मबली होते हैं, अपने आत्मबल के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर जो विज्ञ माने बुद्धिमान होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वह ठीक पहुंच अटकल से वह अनुमान लगा करके उसका हल निकाल लेते हैं और उसका सही उत्तर पा जाते हैं, हल करते हैं प्रश्न सहज में अभिरल मेधा बल से। वह अपने मेधा, अपने बुद्धि के बल से वह प्रश्न को हल करते